तकरीबन हमने एक दर्जन पाए लिए हैं, उनको अच्छी तरह धोकर वॉश कर लिया। ये देखें इस तरह हमने गाड़ लिए हैं और अब हम इनको पकाना शुरू करते हैं। हमने कुकर रखा है और उसमें कुकिंग ऑयल डाला है। पहले हमने ये दो दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको ब्राउन करके निकाल लिया है। ये वही हमारा ऑयल है, इसी में हम अब पकाना शुरू करेंगे। जब हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम फिर पकाएंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। सबसे पहले हमने एक बड़ी चम्मच लहसुन की ली है, उसको हमने पीस लिया है। सबसे पहले ये हम ऑयल में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक बड़ी चम्मच अदरक की ली है, वो भी हमने उसको भी पीस लिया है, फिर हम वो डालेंगे। अभी हम इसको ब्राउन करेंगे। लहसुन हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें थी, इनको भी पीस लिया है। ये भी हम डालकर अच्छी तरह इनको फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। एक बड़ी चम्मच हम नमक की डालेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे। साथ ही चमचा लाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा ना जले। और ये है आधी छोटी चम्मच हल्दी की और एक चम्मच बड़ी जो है सूखा धनिया। साथ साथ चमचा भी हिलाना है, साथ साथ हम मसाले डाल रहे हैं और पिसी हुई लाल मिर्च ये तकरीबन 1.5 चम्मच हम डाल रहे हैं। साथ ही हल्का सा पानी डालेंगे और चमचा लाएंगे ताकि मसाला ना जले। तकरीबन 2 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया है, ये हम डालेंगे। और हल्का सा पानी डालेंगे, प्लेट को अच्छी तरह हम साफ कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह भुनना है। ये हमने लिया है पिसा हुआ गर्म मसाला आधी चम्मच और ये मसाला कश्मीरी लाल मिर्च है, जो है छोटी इलायची है, लौंग है, ये सारी चीज़ें हमने इनको पीस लिया है। ये है 1 बड़ी चम्मच। तीन 4 अदद काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग थे, 2 सब्ज़ इलायची थी और कश्मीरी लाल मिर्च। ये 1 बड़ी चम्मच हमने इनको अच्छी तरह मसाले को पीस कर इसमें शामिल कर लिया था। कश्मीरी लाल मिर्च में ये मसाला हमने डाल दिया है। अब हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज पहले ही हमने फ्राई करके निकाल ली थी। जब सारा मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो जाएगा तो फिर जो हमने प्याज भुनी थी वो हम डालेंगे। माशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मसाला भूनते हुए और ये देखिए ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया है। इससे पता चलता है कि मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पाए डालेंगे और उनको अच्छी तरह मसाले में भुनेंगे। Thank you.
हैं वो हमने अच्छी तरह भूनना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। माशाल्लाह हमारे पाए अच्छी तरह भुन चुके हैं, ये देखें। और अब हमने जो प्याज ब्राउन की थी उसका चूरा बना लिया है, अब हम वो डाल रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट और हम इनको भुनेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। माशाल्लाह हमारे पाए अच्छी तरह भुन चुके हैं, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखें। अब हम इनको में पानी डालेंगे और गलने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 4 से 5 गिलास हमने पानी के डालने हैं। इनको हमने गलने के लिए रख देना है। अब हम कुकर बंद करेंगे। जब सीटी चलेगी तो फिर हम टाइम नोट कर लेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हम इनको रखेंगे, फिर हम कुकर खोलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमारे पाए कैसे बने हैं। अब हमने कुकर बंद कर दिया है और जब सीटी चलेगी तो टाइम नोट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे 40 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम कुकर खोलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, और पायों को चेक करते हैं। गले हैं कि नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं पाए हमारे। अभी थोड़ा सा हम पानी और थोड़ा सा खुश करेंगे, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तकरीबन 3 मिनट और हम पकाएंगे, क्योंकि शोरबा हमारा थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। माशाल्लाह पाए हमारे रेडी हो चुके हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ये 4 अदद हरी मिर्चें हम डाल रहे हैं। जब डिश आउट करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा साथ गरम मसाला पीसा हुआ वो मैं डाल लूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम मैं डिश आउट करूँगी, फिर आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि हमारे पाए आपको कैसे लगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पाए बने हैं। मैं अब डाल रही हूँ, माशाल्लाह हमारे बकरे के पाए रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और साथ ही ऊपर गार्निश के लिए हरा धनिया मैं डाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, यकीन करें। और नान के साथ खाएं और घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को कि मेहमान नवाजी करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारे पाए आपको कैसे लगे। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।